हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है। इसके हमने चार पार्ट कंप्लीट कर लिए था, आज हम करेंगे पार्ट फाइव। पार्ट फाइव में हम क्या करेंगे देख लेते हैं। पार्ट फाइव में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। तो पीछे हमने जो भी एग्जांपल देखी, जो भी फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जांपल देखी, वो फार्मूलाज के बेसिस पे देखी, ठीक है। उससे पहले जो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने दोनों चीज़ें यूज़ की थी, फार्मूला भी यूज़ किया था और हमने कन्वेंशनल मेथड भी यूज़ किया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम फार्मूला के बेसिस पे ही करेंगे और मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करवाऊंगा कि फार्मूला हम कौन सा कहाँ पे यूज़ करें, आपको कैसे पता चले, ये मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। इससे पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे हम यूज़ करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास आफ्टर फाइव ईयर्स, ठीक है। अब आफ्टर फाइव ईयर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, आफ्टर फाइव ईयर्स। जो फ्यूचर का जो हमारे पास टाइम होता था उसको हम टी टू से डिनोट करते थे, यहाँ पे टी टू लिखा मैंने। द एज ऑफ फादर विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। जो फादर की एज है वो कितनी है, थ्राइस। थ्राइस दैट मीन्स थ्री टाइम्स, थ्राइस द एज ऑफ, थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है। तो थ्री टाइम्स दैट मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यू है किसकी है, जेड की है, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर में थ्री टाइम्स जो वैल्यू है वो जेड टाइम्स है, ठीक है। वेयर एज फाइव ईयर्स अगो, फाइव ईयर्स अगो, अगो की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है। तो पास्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइव ईयर्स अगो, दैट मीन्स यहाँ पे जो ये फाइव है वो क्या है, टी वन है, ठीक है। He was seven times as old as his son. Seven times as old as his son. Seven times as old as his son. That means seven time क्या past की बात हो रही है. That means ये हमारे पास है x, ठीक है. As old as his son. Then what are their present ages? ठीक है. तो present ages निकालनी है दोनों की, हमने एक निकालनी है father की भी son की भी, ठीक है. तो हमारे पास formula था, हमने देखा था, हमारे पास son age, son की age निकालने का formula था. हमारे पास इसमें जो फार्मूला यूज होगा, थर्ड नंबर वाला फार्मूला यूज होगा, दैट मीन्स टी वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस टी टू इंटू जेड माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास टी वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टी वन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है फाइव, ठीक है, फाइव पुट किया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 7 है, मैंने 7 पुट कर लिया, माइनस 1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, इंटू जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, 3, थ्राइस दैट मीन्स 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 7 माइनस जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 1 6 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय 4, 7 माइनस 3 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 5 जा 30 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, 40 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी ये 4 है, 40 डिवाइडेड बाय 4 हो गया हमारे पास 10, दैट मीन्स 10 ईयर्स हमारे पास एज आ गई किसकी, सन की एज, ठीक है। तो हमने फादर की एज निकालनी है, तो कौन सी एज निकालते थे हम, प्रेजेंट एज, ठीक है। बोला क्या निकालने के लिए, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमने फादर की निकालनी है, तो प्रेजेंट एज कैसे निकलेगी इसमें, फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ एजेस, इफ फादर इज एफ इज द एज ऑफ द फादर, देन एफ प्लस फाइव, एफ प्लस फाइव जो हमारे पास होगा किसके बराबर होगा, इक्वल टू थ्री इंटू टेन प्लस फाइव, थ्री इंटू टेन प्लस फाइव के बराबर, ठीक है। फादर की एज अगर आप, हमारे पास एज है फादर की, तो एफ प्लस फाइव इक्वल टू थ्री इंटू टेन प्लस फाइव,
ठीक है, ये कैसे लिखा हमने? आप आ गया फादर की एज, इसमें हमने 5 प्लस कर लिया, क्योंकि हम फ्यूचर की अगर बात करें, ये वाले सेंटेंस की बात करें, तो एफ प्लस फ्यूचर की एज इक्वल टू 3 किसके बराबर है? थ्राइस दैट ऑफ द एज ऑफ द सन, दैट ऑफ द एज ऑफ द सन, एज ऑफ द सन कितनी है हमारे पास यहाँ पे? 10 प्लस 5, ठीक है, दैट मीन्स फादर की एज हमारे पास यहाँ पर निकल गई 40 ईयर्स। जब ये चीज सॉल्व करेंगे, ये आगे ले जाएंगे, तो हमारे पास फादर की जो एज होगी वो कितनी होगी? 40 ईयर्स, ठीक है। तो 40 ईयर्स हमारे पास आंसर आ गया, ये वाला 10 ईयर्स सन की एज और फादर की एज आ गई 40 ईयर्स, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे फार्मूला के यूज से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या है हमारे पास? 10 ईयर्स अगो। अब 10 ईयर्स अगो की बात हो रही है, दैट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। 10 ईयर्स अगो दैट मीन्स ये टाइम जो है इसको हम T1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि पास्ट का टाइम है। ए वाज हाफ ऑफ बी इन, ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज, ए की जो एज है वो कितनी है? हाफ है बी से, ठीक है। इफ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज, जो रेशो है उनकी प्रेजेंट एजेस का वो कितना है? 3:4, ठीक है। 3 आ गया हमारे पास एज किसकी? ए की, और 3 रेशो आ गया एज ए का, और 4 रेशो आ गया बी की एज का। देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने निकालना है टोटल, निकालना है उनकी प्रेजेंट एजेस का टोटल निकालना है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हमारे पास है 10 ईयर्स अगो ए वाज 1/2 ऑफ बी एज, ठीक है। 10 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें तो जो ए की एज है वो कितनी है? 1/2 ऑफ बी एज, ठीक है, 1/2 ऑफ बी एज, ठीक है। एट प्रेजेंट ए इज 3/4 ऑफ बी एज, ठीक है। प्रेजेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, तो रेशो जो होता है 3:4, जो भी रेशो होता है उसको हम, जैसे 3:4 है तो इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो ए की एज है वो कितनी है? वो है 3/4 ऑफ बीज एज, ठीक है, 3/4 ऑफ बी एज, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, बी की एज निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इसमें, फार्मूला नंबर 1। अब फार्मूला नंबर 1 क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे किस किस की बात हो रही है? एक प्रेजेंट की बात हो रही है और एक पास्ट की बात हो रही है। तो हमने पीछे देखा था कि जो प्रेजेंट की एज और पास्ट की एज निकालने के लिए हम फार्मूला 1 यूज करते थे, तो इसमें हम बी की एज निकालेंगे, बी की एज निकालेंगे, वो हमारे पास हो जाएगी T1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, ऐसा फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हमारे पास T1 कितना है? T1 है हमारे पास 10, ठीक है, जो टाइम है वो कितना हमारे पास? 10, ठीक है। देन x, x जो था x टाइम्स दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है दूसरे की, a की एज की जो b कितने टाइम्स है, वो b की एज से 1/2 टाइम्स, दैट मीन्स 1/2 - 1 फार्मूले का, डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे फिर 1/2 - y, y आ गया हमारे पास 3/4, दैट मीन्स 3/4 ऑफ, ये आ गया 3/4, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया किसका एज? बी का एज। अब हम ए की एज निकालें, ए की एज कितनी हो जाएगी? ए की एज हमारे पास यहाँ पे थी, ए की एज 3/4 ऑफ बी एज, तो बी की एज हमने निकाली हुई है, कितनी है? 20 है, दैट मीन्स 3/4 ऑफ 20, तो 3/4 ऑफ 20 दैट मीन्स 3/4 ऑफ, आप की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो ये हो गया, ये आ गया 4 1 4, देन 4 5 20, देन 5 3 जा, ये बचा हमारे पास 3 × 5 5 3 15 ईयर्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ए की हमारे पास जो एज निकली वो निकली 15 ईयर्स, और बी की जो हमारे पास एज निकली वो निकली 20 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल गया। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो
लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।